शिखर धवन रूल्ड आउट, कितनी बड़ी है ये समस्या नंबर चार का? क्या केदार शंकर से आप खुश हैं या फिर ढूंढे कोई और? भूमि की इंजरी वो कितनी है सीरियस? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। रूडा प्रेजेंट्स द नॉकआउट शो विद आपकी वाणी। जी हाँ, तो इसका मतलब हमने कैटेगराइज किया, हमने जरा टॉपिक्स को पकड़ा है। सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक शिखर धवन की समस्या, जो उनको हिज बिन रूल्ड आउट। अब कितनी बड़ी ये समस्या है। दूसरा एक सवाल कि भुवनेश्वर कुमार की इंजरी कितनी सीरियस है, अब इसका क्या होगा? उसके बाद तीसरा सवाल रहेगा केदार जाधव विजय शंकर यानी कि नंबर चार की समस्या, हैव वी फाउंड अ सॉल्यूशन येट? उसके बाद जो एक और बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या रोहित और विराट, मतलब रोहित जो काम कर रहे हैं, क्या वो विराट का काम इजी कर देते हैं? रोहित प्लस विराट इज इक्वल्स टू मैजिक, इज इट मैजिक? तो सबसे पहला सवाल जो कि ब्रेकिंग न्यूज है कि धवन हैज बीन रूल्ड आउट, और ये सवाल पूछा है राहुल वाधवानी ने। ये ट्विटर से सवाल आया कि जब राहुल ने पूछा कि धवन चले गए हैं तो क्या इंडिया लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को मिस करेगा? जी बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। देखिए केएल राहुल ने, आपके नेम से एक ने, अच्छा जरूर किया है, उसने ओपन किया है, रन्स भी बनाए हैं, लेकिन शिखर धवन को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं? बहुत बड़े शूज टू फिल हैं। मिस्टर आईसीसी चले गए और कई चीजें होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, दूसरा आईसीसी इवेंट्स में कमाल का प्रदर्शन, तीसरी बात ये कि अभी तो आप संभाल लेंगे लेकिन जब आप सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेंगे ना, तो फिर आप शिखर के जो एक्सपीरियंस है, जो उनका यहां पे खेलने का जो उनका मादा है, आप उसको मिस करेंगे नो मैटर व्हाट राहुल डज। मुझे लगता है कि भारत शिखर को मिस करेगा। दूसरा सवाल आया है शोएब हुसैन का, ये भी हुसैनी का, ये सवाल भी ट्विटर से आया कि डू आई सी ऋषभ पंत प्लेइंग एट नंबर 4? ये सवाल कहीं और भी पूछा जाएगा। अब इसमें सी अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं, अभी मैं नहीं देख रहा हूं, और अगर ये कर देते हैं तो फिर मैं तो कहूंगा ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आपने किसी को बाहर से बुलाया और सडनली उसको नंबर चार पे खिला दिया, जबकि विजय शंकर और केदार जाधव को आपने अभी पूरे मौके ही नहीं दिए। सो आई एम नॉट इन लाइन विद इट, तो मैं इस बात से बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रखता कि आप सीधा ऋषभ पंत को खिला लीजिए, और ये सवाल दोबारा हम बात करेंगे जब हम विजय और केदार की बात करेंगे। तो ये मेरे सब जवाब रहे। एक और सवाल आता है भूमि की इंजरी की हम बात करते हैं, और उसमें है काजी अमीर जी का, ये भी ट्विटर से सवाल आता है कि क्या बड़ा कंसर्न है? अभी उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो खबर आई है वो ये कि फिट होने वाले हैं, इनफैक्ट ही माइट जस्ट बी अवेलेबल फॉर द अफगानिस्तान गेम ऑल्सो, लेकिन मैं अभी चांस लूंगा नहीं। मैं कहूंगा अफगानिस्तान का मैच है, आप शामी को खिलाएं, कभी तो आप उनको भी खिलाएंगे, तो मेरा मानना यह कि आप भुवनेश्वर कुमार को अभी आप विश्राम दीजिए, चोट अभी उनकी इतनी गंभीर है नहीं, तो मैं चिंतित नहीं हूं। इस वजह से शामी को लेकर खिलाना वो होगी सही बात। ये एक और अच्छा सवाल ऋतिक पंजाबी यूट्यूब से, इफ शामी प्लेज वेरी वेल इन नेक्स्ट 2-3 गेम्स, ये एक सवाल रहता है कि अगर इसने अच्छा किया तो उसका क्या? यार जो अच्छा करेगा ना, अब उसके साथ जुड़ो यार, शामी अगर अच्छा करेगा तो थम्स अप यार, वेल डन। तो अगर वो अच्छा करते जा रहे हैं तो उनको खिलाता रहूंगा, पर हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, बहुत घास मिलती है, लगता है स्विंग होगा, भुवनेश्वर कुमार को ले आओ। अगर शामी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आप उनको खिलाते चलिए, कहीं पे आपको 3-5 बोलो खिलाने पड़े तो आप वो खिला दीजिए। सब खिलाड़ियों के पास इनफ मैच जो फिटनेस है ना, और जो गेम टाइम है वो आपको सबको प्रदान करना है, तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव इफ दैट हैपेंस। केदार और शंकर, केदार शंकर या फिर कोई और। अब केदार के बारे में शीरू यादव जी ने पूछा है कि शुड जाडेजा प्ले इंस्टेड ऑफ शंकर और जाधव? मैं नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। उसकी एक वजह है कि हमने केदार को पूरी बैटिंग नहीं कराई, एक मैच में मुश्किल से हल्की सी बैटिंग आती है, फिर हम कहते हैं यार फॉर्म नहीं है, वहां वो मैचेस वो नहीं खेले थे। शंकर की भी तो वही कहानी है कि एक मैच खेलते हैं, अब उसमें बल्ले पे गेंद लगे ना लगे आसान नहीं होता है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पे बैटिंग करना बहुत कठिन। और मैं अभी बिल्कुल बदलाव नहीं करूंगा, अफगानिस्तान के बाद भी कुछ आपके पास कमजोर मुकाबले आएंगे, उन मुकाबलों में आपको मौका दो यार, इनको खेलने दो, डोंट रियली टिंकर एट दिस पॉइंट इन टाइम। और वहीं से दूसरा सवाल आ जाता है कि किस प्रकार से हम इनको ज्यादा मुकाबले दे सकते हैं, केदार और शंकर? ये सवाल इंडियन फर्स्ट यानी कि Saurabh_Nath का ये ट्विटर का सवाल है। अफगानिस्तान का मैच है ना, 4 नंबर पे भी खिलाओ, अगर कोई बहुत बड़ी ओपनिंग साझेदारी हो जाए तो 3 नंबर पे केदार को खिलाओ या विजय को खिलाओ, आपको इनको रन बनाने का मौका देना है, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं दी बैटिंग और सडनली आपने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल लीजिए, सेमीफाइनल मुकाबला है, इंग्लैंड के खिलाफ खेल लीजिए, ये बर्मिंघम में मुकाबला है, ऐसा होने वाला है, तो यू नीड टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज, और जो हल्के मुकाबले हैं उनका आप कीजिए इस्तेमाल। जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है रोहित एंड शिखर इज इक्वल्स टू मैच, ये बात तो सच है।
सवाल किया कनिष्क गौरी का कि काफी सवाल पूछते हैं वैसे कि हैज रोहित रिस्पॉन्सिबल बैटिंग रिड्यूस द बर्डन ऑन कोहली. ऑफ कोर्स इट हैज बॉस. आई मीन रोहित जो खेल रहे हैं रोहित का वर्ल्ड कप. हम सोच रहे थे विराट का वर्ल्ड कप होगा लेकिन धोनी का वर्ल्ड कप होगा लेकिन ये बन गया है रोहित का वर्ल्ड कप. इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल. लगातार अच्छा कर रहे हैं. दो शतक जड़ चुके हैं. जो भूख है ना वो लग रही है कि आगे तक लेकर जाएगी इनको. तो विराट का काम बहुत कर रहे हैं आसान. हालांकि मतलब उनके खाते में रन कम जाते हैं पर रोहित टॉप क्लास. व्हाट मेक्स रोहित सो स्पेशल. ये साहिल जी का सवाल और अच्छा सवाल है. क्या इनको खास बनाती है बात. तो सबसे खास बनाती है बात वो इनकी है इनके पास समय है. इनके पास खेलने का एक अंदाज एलिगेंस भी है. इनके पास डोमिनेंस भी है. इनके पास छक्के मारने की जो एबिलिटी है किसी के पास नहीं है. और ये बैटिंग को आसान सा इसलिए बना देते हैं क्योंकि बैटिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द राइट पोजीशन. और ये पहले पहुंच जाते हैं. ज्यादा फुटवर्क नहीं है लेकिन अपने खेल को समझते हैं. गेंद को आज बहुत पास खेल रहे हैं और उसके बाद जब शॉट लगाते हैं तो बड़े पके हुए शॉट हैं. वो कवर्स के ऊपर से मारेंगे पुल मारेंगे. ये शॉट्स इनके बिल्कुल अच्छे शॉट्स हैं. बहुत अच्छा खेल रहे हैं रोहित. तो ये रो सुपर हिट शर्मा है. एब्सोल्युटली टॉप क्लास प्लेयर है. एक बोनस क्वेश्चन में से जाते जाते करने वाला हूँ. वो क्वेश्चन भी था बड़ा अच्छा. हमने उसको टॉपिक नहीं बनाया पर कि एक्चुअली दो क्वेश्चन अच्छे वाले. ये मतलब बेस्ट ऑफ द लॉट डाल देते हैं. इसका बोनस कर देते हैं कि मोस्ट इंपैक्टफुल फास्ट बोलर इन दिस टूर्नामेंट सो फार प्रभात सिंह. आपके साथ जसप्रीत बुमराह भी वैसे आसपास ही है. मोहम्मद आमिर भी बहुत दूर नहीं है. चोपरा आर्चर इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. एक्चुअली ये चार आप वो बना लीजिए पोल कर लीजिए कि कौन इसमें सबसे ज्यादा आगे है. मुझे लगता है मिचेल स्टार्क थोड़ा सा आगे. ऐसा मुझे लगता है. यू कैन नॉट कंप्लीटली डिसएग्री. हु इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड कप. ये सवाल यदीप जोशी जी का है. ट्विटर से आया है. किसकी तरफ जाऊं मैं रोहित शर्मा के साथ जाऊँ. रोहित शर्मा मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक. और वो इसलिए तो वो ओपन करते हैं एंड तक बैटिंग करते हैं. दूसरा शतक भी वो मार सकते हैं और वो अच्छी गेंदबाजी को खेल भी सकते हैं. गियर चेंज करना उनको आता है. दो सेंचुरीज ऑलरेडी जड़ चुके हैं. मैं जा रहा हूँ रोहित के साथ. आपके पास वार्नर फिंच रूट स्मिथ शाकिब अल हसन बहुत विकल्प है. जॉस पटला बहुत विकल्प है आपके पास. आप बताइए आपको क्या लगता है. रूरल ऐप फटाफट से आप डाउनलोड कर लीजिए. और इसमें खास बात बहुत यह है कि आपको यहाँ पे 8 लैंग्वेजेस में स्कोरबोर्ड मिलते हैं बॉस. और बड़े सुपरसोनिक स्पीड पे ये स्कोरबोर्ड अपडेट होते हैं. सिर्फ एक ही ऐप है जहाँ पे 8 लैंग्वेजेस में आपको स्कोरबोर्ड मिलेंगे. और वहाँ पे आपको ऑडियो कमेंट्री मिल जाएगी. यहाँ पे आप अपना कमाल भी कर सकते हैं. आप पैसे जीत सकते हैं. यू कैन एक्चुअली अर्न. यू कैन अर्न मनी. यू कैन विन कैश प्राइजेस. अगर आप सुपर सेलेक्टर खेलें जो आपका स्पोर्ट है तो वो भी आप खेल सकते हैं. मैं तो हूँ और मैं भी आ रहा हूँ. कमेंट्री भी करता हूँ. मैं लाइव भी आता हूँ उस पर. फिर आप इंतजार किस बात कर रहे हैं. रूटर ऐप फटाफट से कर लो डाउनलोड.